हाय एवरीवन, माय नेम इज शांत भसीन एंड वेलकम बैक टू द शैन। सो गाइस, आज मंडे हो गया और मंडे में हम लोगों ने एक फॉल देख ली है। किस तरीके से फॉल आई है, क्या रीजन था उसके पीछे का, सारी बातें करते हैं। कल का दिन कैसे रहने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी है, कौन से 2 से 3 स्टॉक्स हैं जिस पर हम लोग ट्रेड लेकर चल सकते हैं, तो सारी बातें करते हैं इस वीडियो के अंदर। चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। और गाइस, 9:15 पे मैं 9 बजे वीडियो अपलोड कर दूंगा और 9:15 पे हम लोग लाइव आने वाले हैं जिसमें हम लोग क्रिप्टो करेंसी पे बात करेंगे, कौन से बाय कर सकते हैं, कौन से शॉर्ट कर सकते हैं एंड कैसे वहां पर भी ट्रेड ले सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो वो भी आप जाके जरूर चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। सो गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है क्रेडिट ACC। क्रेडिट ACC मैंने आपको पहले भी रिकमेंड करा हुआ है और अभी दोबारा रिकमेंड कर रहा हूँ। अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 800 रुपीज का और बहुत अच्छी मूवमेंट आ रही है 2 से 3 दिन के अंदर। अगर आप स्टॉक को देखोगे तो अभी 800 रुपीज पे चल रहा है एक बहुत अच्छी अपमूव देने के बाद एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग रेंज ऑफ कंसोलिडेशन। ये अब कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज मेंटेन कर रहा है। एवरी डिप इसके स्टॉक के अंदर एक अपॉर्चुनिटी हो रही है बाय करने के लिए। और जो हम लोग टारगेट सेट करने की बात कर रहे हैं वो हमारा 1000 रुपीज का आ रहा है जहां से एक फॉल आना स्टार्ट हुई थी, बिकॉज इसने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, गेव अ रीटेस्ट एंड अगेन ये ऊपर गया और अपने रीटेस्ट के ऊपर जाके इसने अपनी वीकली क्लोजिंग करी है, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो यहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। पहला स्टॉक है क्रेडिट ACC। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। तो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी, और ये भी मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे ले रखा है तो इसका भी होल्डिंग पीरियड ज्यादा लंबा होगा। ठीक है, अगर आप चेक करोगे तो हम लोगों ने एक रेंज ड्रॉ कर रखी है। इस रेंज के अंदर ये कम से कम 1 साल से ज्यादा से काम कर रहा है, 2 साल होने वाले होंगे इसे। ठीक है, अब यहाँ पर फाइनली एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ब्रेकआउट उसने पहले भी दिया था बट उसके बाद दोबारा एक फॉल आ गया था। यस गाइस, अगर आप इस पैटर्न को चेक करोगे ना, इस छोटी सी रेंज को, यहाँ पर प्राइस एंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है। अगर आप देखोगे एक बड़ी मूवमेंट, छूट फॉल, अगेन एक छोटी फॉल, अगेन उस लेवल पे फॉल, और अगर आप प्राइस वॉल्यूम देखोगे वो ड्रॉप होगा। यहाँ से आप चेक कर लो, वॉल्यूम पूरा का पूरा ड्रॉप हुआ, हल्का से यहाँ पर राइज करा होगा बट ड्रॉप ही रहा पूरा टाइम। और यहाँ पे फिर बड़े बड़े ब्रेकआउट्स आना स्टार्ट हुए, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और ब्रेकआउट भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्लैरिटी मिल गई थी कि यहाँ पर एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आ सकता है। आफ्टर दैट अगर हम बॉटम लेते हैं और हम एक टॉप लेते हैं तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 61% पे हॉल्ट करा जहाँ पर एक पॉज लेना था ब्रेकआउट देने से पहले और अब ब्रेकआउट। तो यहाँ पर हम एक बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली करंट प्राइस 63.50 और हम लोग जो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं दैट इज अराउंड 72 का मिनिमम टारगेट ये पर्टिकुलर स्टॉक दे सकता है। इसको भी वॉचलिस्ट के अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। आज के लिए सिर्फ 2 ही स्टॉक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करा है। अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखेंगे ना तो एक बहुत अच्छा हमें गैप अप देखने को मिला था एंड आफ्टर दैट एक रैली भी बहुत अच्छी आई थी 17 मार्च को। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोगों ने एक छोटा 21st ऑफ मार्च को एक छोटा सा ड्रॉप देखा था एंड आफ्टर दैट दोबारा हम लोगों ने आज पूरा का पूरा जो है ड्रॉप देखा है। अब रीजन क्या था, जब मार्केट ओपन हुई क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था और उस समय सिग्नल्स नहीं आ रहे थे फ्लाइट में तो उस चक्कर में मैं आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करवा पाया था। बट यहाँ पे हमें जो रीजंस पता चल रहे थे वो ये बेसिकली था कि दोबारा 110 रुपये के आसपास क्रूड ऑयल आ गया था एंड उसकी वजह से हम लोग एक छोटा सा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते थे। अब अगर हम लोग बात करें तो अभी ट्रेड कर रहे 17,117 पे और मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चलो कि 17,200 पे जो बड़े पुट राइटर्स एक्टिव थे, 150 पुट राइटर्स एक्टिव थे, वो लोग वहां से निकल चुके हैं। तो यानी कि हम एक छोटा सा ड्रॉप और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अभी सेल ऑन राइस एक छोटा सा बेस हमारा बन सकता है। कल भी हो सकता है कि सेल पे राइस आ जाए, मतलब सॉरी राइस पे सेल आ जाए और वहां पर हम लोग शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ चेक करोगे तो अभी इस रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है, अगर ऊपर जाके टेस्ट करके नीचे आता है तो भी शॉर्ट कर सकते हैं, ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा रेंज के अंदर एंटर करता है तो शॉर्ट कर सकते हैं एंड अगर इस लेवल पे ओपन होके भी नीचे जाता है तो भी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सिनेरियो कब चेंज होगा, सिनेरियो तब चेंज होगा जब मार्केट ओपन होगा, 10 मिनट बाद जब हम लोग मार्केट प्रोफाइल चेक करेंगे एंड ओपन इंटरेस्ट का डाटा चेक करेंगे उसके बेसिस पर हम अपना स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। बट बेसिकली अभी भी क्रूड ऑयल अगर 110 बैरल के ऊपर रहता है तो शायद मार्केट के गिरने के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस फैक्टर को हमें जरूर पॉइंट में लेना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट का डाटा के साथ मैच कर लेंगे क्या बन रहा है, बैंक निफ्टी एक बार चेक कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का चार्ट हमने ओपन कर लिया, वो भी 17 मार्च और 21 मार्च तक इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा। After that, एक breakdown, retest, again एक breakdown आया। अगर आप यहाँ पर हम लोग चेक करें, same type of structure बनना है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं,
और इस स्ट्रक्चर पर अगर मैं आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेकर चलता हूँ और मैं अपनी मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर इसने बेसिकली रेजिस्टेंस लिया एंड ड्रॉप कर रहा है। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ फॉलो हो रही है, वॉल्यूम अगर हम लोग इसको फ्यूचर्स पर लेकर चले बैंक निफ्टी को, तो वॉल्यूम और प्राइस का कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली शायद ये ब्रेकडाउन देने के बाद ऊपर जा सकता है, तो बेसिकली सेंड ऑर्डर राइज की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यहाँ से अप मूव देगा, ब्रेकआउट देगा, अगेन ये नीचे आ सकता है, ठीक है। सो हमें बैंक निफ्टी को थोड़ा और अच्छे से ऑब्जर्व करके चलना पड़ेगा, और अभी एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे ये ट्रेड कर रहा है। 36,130 टू 36,060 रुपीज का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ से एक्ट कर सकता है, और अगर उसके ऊपर निकलता है तो हमारी एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग चेंज हो सकती है। बट हमें पूरा डिपेंडेंट, अभी हम जो रह रहे हैं वो क्रूड ऑयल के बेसिस पे रह रहे हैं, तो वहां पर हमें थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिल सकता है। दोनों को मैच करने के लिए एक बार ओपन इंटरेस्ट के डाटा पे चलते हैं एंड उससे मैच करके देखते हैं कि जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वहां पर भी वो शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट आपके सामने ओपन कर दिया है। अगर आप यहाँ पर सबसे पहले चेक करोगे आज का, तो कॉल चेंज हुआ है 51 मिलियन एंड पुट चेंज हुआ है 13.8 मिलियन, यानी कि कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं और अकॉर्डिंग टू पुट राइटर्स। अगर आप यहाँ चेक करोगे तो अभी भी इन टोटल की अगर हम बात करें 21st of March से, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 76 मिलियन और 40 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया 17,100 का एक बेस बना हुआ है, और एग्जैक्टली निफ्टी के अंदर भी वही सपोर्ट था जो ट्रेंड लाइन का था। अगर वो ब्रेक होती है तो वहां पर एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अभी खुद ही ट्रेड कर रहे 17,117 पे, और हर हायर लेवल पे हर 100 पॉइंट्स ऊपर हम लोगों को एक बड़े बड़े रेजिस्टेंस और हर्डल्स देखने को मिल रहे हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली ये वाली जो एक्सपायरी हो सकती है ये शायद स्लाइटली टू स्लाइटली थोड़ा सा नीचे हो सकती है, नॉट नीचे बट साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रह सकती है। एक बार हम लोग अगर बैंक निफ्टी को चेक करें, सो बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट 1-2 टाइम्स का डिफरेंट है, 2x का डेफिनेटली डिफरेंस है। हाईएस्ट पुट कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रही है 36,500 पे, एंड उसके बाद हर 500 पॉइंट ऊपर जाके है, तो यानी कि बड़े बड़ी अपमूव आ सकती है, बट वहां पर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्योंकि अगर इतनी दूर स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्टेड है तो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाने की भी कोशिश करेगा बट वहां पर सस्टेन नहीं हो पाएगा। अगर आप देखोगे तो अभी 36,100 पे ये रुका हुआ है, 36,000 पे पुट राइटर्स एक्टिव है पर कॉल राइटर्स भी ज्यादा एक्टिव है, पोजिशंस वहां पर आज के दिन बनी है। इसके अकॉर्डिंग 36,200 पे कॉल राइटर्स की पोजीशन पुट राइटर्स के पोजीशन से दुगनी ऐड हुई है। सो बेसिकली अभी एक मिड में काम कर रहा है बैंक निफ्टी। अगर ये 36,000 के नीचे जाता है और वहां पर रुकता है थोड़े टाइम, तो डेफिनेटली पुट राइटर ट्रैप हो सकते हैं और तब एक फॉल आ सकता है। अदरवाइज अगर ये 36,200 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो वहां पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें एक सेलिंग का ही सिनेरियो दिखा रहा है, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड का सिनेरियो दिखा रहा है ओपन इंटरेस्ट और चार्ट्स के बेसिस पे, तो आई थिंक हमें उसे ही एक्नॉलेज करना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर अभी आप लोग इस वीडियो को लेट देख रहे हैं और हम लोग अभी भी लाइव हैं आपके सामने, 10 बजे तक लाइव रहेंगे, तो आप हमें लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम क्रिप्टो की बात करने वाले हैं। चलते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से लाइव।